और मुल्क आले हो ऐ सिर्फ दिखावा ही जे ऐ तुहानू बता दे आइयो ना समझ के कहती बड़ा इंजॉय कर रहे हैं दिखावा ही जे तुहानू बता दे अपने फॉलोअर्स को ना। दरअसल ये इस एक हमने नई सी चीज़ देखी है यहाँ पे, ये एक देखी है सिर्फ यूएई के अंदर, यहाँ पे अबू धाबी के अंदर जो है ना, यहाँ पे सिर्फ जो गोल्डन चांस मिलता है जिसके पास लाइसेंस हो इंडिया वाला। भाई चप्पल कब से खाने लगे भाई, अब उन्होंने डाला ना क्या करे आप, ये देखो। और आपके पास सबसे बड़ा जो आपका वेपन है वो है गूगल मैप। ये है भाई साहब रोड, रात के अभी बज चुके हैं भाई साहब, लेट मी चेक 12 बज गए और स्टिल आप गाड़ियों का रश देखिए। और ये मत सोचना कि ईद की ओकेजन की वजह से ऐसा हो रहा है, नॉर्मल डेज में भी ऐसा ही रश होता है। अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आप खुद अपनी नेकताई से इस चीज़ को पूरा एक एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ भाई क्या सीन है। तो ज़ियान भाई हमारे बोल रहे हैं कि थक गए यार, कहीं खाना वाना खाते। अच्छा अब ये देखो नुमान मेरे पे कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ खाने का, देखो यार कह रहे हैं। अच्छा मैं ही कह रहा हूँ नहीं ये भाई ये क्लियर हो गया ऑडियंस, ये नाइंसाफी है सीधी सीधी। ये दोनों ने मुझे काफी देर से ये कह रहे हैं कि ये देखे ना इसका सही तरह से शक्ल देखे जरा, भूख वाली बनी हुई है इसकी। चलो व्हाट्सएवर अभी फिलहाल चलते हैं कुछ खाते पीते हैं और तब तक आपको मैं थोड़ा बैक कैमरे से जो यहाँ का नज़ारा है रोड्स का वो दिखाता हूँ, थोड़ा आप इंजॉय कर लें। सो लुक गाइस ये है जंक्शन और ये आप चेक करिए यार, मतलब यार एक बार आप खुद यहाँ पे आके देखोगे, आप जब खुद यहाँ का एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार हकीकत में जो है अबू धाबी सिटी कैसी है। और पूरा यूएई जब आप घूमेंगे तो तब आपको पता चलेगा। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैंने लाइसेंस यहाँ पे बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो लाइसेंस है इंडिया का वो अभी मेरे पास है। तो उसके बिहाफ पे मुझे सिर्फ यूएई के अंदर, यहाँ पे अबू धाबी के अंदर जो है ना, यहाँ पर सिर्फ जो गोल्डन चांस मिलता है जिसके पास लाइसेंस हो इंडिया वाला, तो उस पर फर्स्ट ट्राई मिलती है हमें गोल्डन चांस में। वो अगर पास हो जाए तो इंस्टेंटली जो है आपका लाइसेंस वगैरह बन जाएगा, वरना एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है। तो इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ 1 या 2 महीने तक मैं अप्लाई करूँगा, जब लाइसेंस मिल गया तो इंशाल्लाह फिर जो गाड़ी वाड़ी भी आस्ता आस्ता इंशाल्लाह अपनी लेंगे। सो यार ये है यहाँ का नज़ारा पूरे का पूरा, और वो रहा सामने अलवाहदा मॉल वाली साइड, तो वहाँ से हम चल के आए थे इस साइड से पूरा घूमते घूमते इस साइड से। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं आगे, यहाँ से देखते हैं टैक्सी पकड़ते। सो गाइस फाइनली टिक्का टुनाइट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हमें प्लेटर खाने का मन कर रहा था इसलिए हम यहाँ पे आए। ज़ियान भाई भी बोल रहे थे कि चलते हैं यहाँ पे, नुमान की भी यही फरमाइश थी, सजेस्ट मैंने किया था। तो आगे हम ये पीछे है यहाँ पे रेस्टोरेंट, तो आपको बैक कैमरे से भी थोड़ा सा दिखाते हैं। लेकिन अंदर से मैं माजरत चाहता हूँ, शूट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज अंदर फैमिलीज होती हैं तो अलाउ नहीं होता ऐसी जगह पे। तो जैसा कि हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, बहुत रश है यहाँ पे, हमें टेबल भी नहीं मिला है। हाँ। क्या वेटिंग पे हम बाहर खड़े हैं exactly। इतना मतलब कि नाम और नंबर वगैरह लिखा लिया है, वो अब कॉल करेंगे बिकॉज ईद का ओकेजन है। तो ऑब्वियसली yes। यहाँ पे तो नॉर्मल डेज में भी ऐसे ही फुल रहता है, बट जगह मिल जाती है, बट आज जो है ना तो ज़्यादा रश है, इसकी वजह से जो हम अभी वेट कर रहे हैं तो मे बी 5 और 10 मिनट्स में कॉल आ जाएगी, फिर आराम से खा पी के चलेंगे। जब हमारा आगे जो डिनर वगैरह लग जाएगा तो उसकी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा थोड़ी सी बना के क्या खाने वाले। बाकी ये पीछे रहा, आपको मैं थोड़ा बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। सो गाइज दिस इज़ द रेस्टोरेंट टिक्का टुनाइट रेस्टोरेंट। सो ये रहा सामने ज़ियान, इस तरह की कोई जगह है ये। तो बाकी ये देखें सामने आप, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। सामने ये पार्किंग आपको मिल जाएगी पूरी, आपको अगर गाड़ी है तो गाड़ी यहाँ पे लगा सकते हो। तो बीच में से गाड़ियाँ पास आउट भी होती हैं, इधर उधर पार्किंग आपको मिल जाएगी सामने अपोजिट साइड में पैरेलल में। तो ये रहा सामने टिक्का टुनाइट यार, अंदर चलेंगे खा पी के आराम से, फिर निकलेंगे यहाँ से चलेंगे कॉर्निश वाली तरफ। तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, आधा पौना घंटा स्पेंड करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह वापस रूम में। क्यों ज़ियान जी? ऐसे ही जाएंगे क्यों नहीं, कॉर्निश जाएंगे, उधर का व्यू दिखाएंगे इनको। हाँ, मजीद और वीडियो भी आती रहेगी हमारी अब इंशाल्लाह ताला। पहले दरअसल हम जब आए थे यहाँ पे न्यू थे तो टाइम नहीं मिलता था हमें क्योंकि हमारी जो ड्यूटी वर्क होता है वो भी बहुत थोड़ा सा हार्डली होता है। यहाँ पे रहना आसान नहीं है, ये मत समझिएगा कि यहाँ पे रहना आसान है। जो भी आता है ये सोच के मत आए यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट है या बहुत खुश है। हाँ मगर ये इस खुशी में जीना सीख लेता है इंसान। ये नहीं है क्यों अहमद भाई? इसी तरह ना जब हम न्यू आए हैं तो बहुत सारे क्राइसिस से गुजरे हैं हम, 6 मंथ बहुत सारे क्राइसिस फेस किए हैं। नया बंदा तो ऑब्वियसली उसको तो टाइम लगता है। यहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमारे अपने मुल्कों जैसा ना यहाँ पे मुल्क नहीं है, डिफरेंट है। इधर जो है कानून है वो बहुत पुलिसी अच्छी है उनकी, ठीक है, हर कोई मानता है उस चीज़ को, कोई उससे बाहर जा ही नहीं सकता। ये बहुत चीज़ अच्छी है, बाकी ममालिक में या मुल्कों में इस तरह नहीं है। क्यों अहमद भाई? ये अहमद भाई भी अब आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि भी सुने जरा। पहली बार आया था मैं यहाँ पे, ये टिक्का टुनाइट सेम रेस्टोरेंट में आया था जब मुझे 1 महीना हुआ था लगभग, बट अभी तक मुझे याद नहीं था कैसा था। मैं गूगल पे फाइंड आउट करके इसको यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे जो नया बंदा आता है उसको 2-4 महीने तो आराम से लगते हैं पहले जगह याद करने के लिए। तो सिटी में जब वो घूमता है आगे पीछे जाता है उसके बाद उसको पता चलता है। और आपके पास सबसे बड़ा जो आपका वेपन है वो है गूगल मैप, उसके ज़रिए आपको जगह भी याद हो जाएगी। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जगह याद हुई, क्योंकि मेरी जो जॉब है वो सिटी के अंदर ही है, बाहर नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे ईजी हो जाता है। तो ये आज यहाँ का रेस्टोरेंट है भाई साहब, अंदर चलेंगे खाएंगे, मुझे बड़ी भूख। अहमद भाई अपने फॉलोअर्स को ना दरअसल ये इस एक हमने नई सी चीज़ देखी है यहाँ पे, ये देखी है, ये मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी एक बार दिखाई थी, बट दिस इज द सेगवे, दिस इज कॉल्ड सेगवे। ये आपको यहाँ पे मिलेगी, नॉर्मल अगर लोगे तो आपको 800-1000 दिरहम की, बट अगर अच्छी वाली लेनी है तो 1200-1300-1400 दिरहम में आपको ये अच्छी वाली मिल जाएगी। तो ये अराउंड ऑल ओवर द सिटी जो है ना वो आपको पूरा ये हेल्प करेगी। तो इस पे आप घूम सकते हैं। बाहर जो थोड़ी वो zigzag वाली रोड होती है ऊबड़ खाबड़, उसमें थोड़ा वो मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ पे भाई सब सिटी के, ये ऑल अबू धाबी में चलती है, अबू धाबी में चलती है आराम से, बिल्कुल सिटी में। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी होते हैं, वो आपको परचेज कर सकते हो, 300-400 दिरहम में आपको दुबई से मिल जाएंगे, बिल्कुल यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं। सेकेंड हैंड आप बाय कर सकते हो। तो उसके अलावा आप अगर गाड़ी लेते हो किराए पे गाड़ी मिल जाएगी, बट अगर आपको मतलब डेली बेसिस पे अगर चलाना है तो फिर उसके लिए आपको अपनी गाड़ी परचेज करनी पड़ेगी। तो मुझे बेसब्री से इंतजार है, मुंह सूख गया, अंदर चलते जल्दी से खा पी कर फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइस फाइनली हम अंदर आए थे, प्लेटर ऑर्डर किया था तो ये रहा हमारे सामने प्लेटर, इसमें 3-4 किस्म की जो आइटम्स हैं, तो ये साथ में चटनी, अभी 1-2 आइटम्स और आएंगी, जैसे रोटी होगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और मे भी शायद 1-2 आइटम और हैं जो बची हुई। तो ये खाना है, नोश फरमाना, उसके बाद चलेंगे भाई। आप थोड़ा नज़दीक से देख लें। वाह, तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्लेटर हमारा आ गया है। अब इसमें देखें क्या क्या चीज़ है। इसमें कबाब है, टिक्का है, विंग्स हैं, मटन चाप है, ये क्या है अमित भाई? ये मुझे भी नहीं पता, खा के पता चलेगा। चप्पल कबाब है, चप्पल कबाब है, ये चप्पल कबाब है भाई। चप्पल कब से खाने लगे भाई? अब उन्होंने डाला ना, क्या करें अब, ये देखो ठीक है। उसके बाद भाई ये चप्पल कबाब है, हाँ ना चप्पल कबाब है यार। अच्छा ये आगे हमारी रोटी और मुल्क आ ले हो, ऐ सिर्फ दिखावा ही जे, ऐ तुहानू बता दे आइयो ना, ऐ समझ के कहती बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, ऐ दिखावा ही जे, तुहानू बता दे। जो भी ध्यान आप पहले अपने चप्पल कबाब से शुरू करें। नहीं मैं पहले एक मिनट पहले व्यू करते हैं इनका टेस्ट कैसा है, पहले जरा मैं टेस्ट करके बताऊं, पहले मैं देखता हूँ, मेरे लिए भी छोड़, पहले हम थोड़ा सा कबाब टेस्ट करते हैं। ओके हो गया यार, नो डाउट सही है जी, नो डाउट। आगे प्लेट, 1 मिनट ध्यान पर दे, 1 मिनट एक और उनकी ये भी। ओके कैसा है यार? वाकई चलो सही है, अब मैं भी करता हूँ इसको एंजॉय, उसके बाद बाहर चल के मिलते हैं आराम से खा पी के। सो गाइस यार फाइनली हम यहाँ से निकलने वाले वापस रूम के लिए, तो खा पी के एकदम ओके हो गए थे। यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमा इधर उधर मार्केट वगैरह, तो अभी इतनी हिम्मत नहीं रही है यार कि आगे पीछे चलें, रात बहुत हो चुकी है। तो यहाँ से अब निकलते हैं, ज़ियान और नुमान आगे निकल गए, तो फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन टू बी कंटिन्यूड। तो आगे इंशाल्लाह जब भी हम आएंगे कुछ दिन बाद फिर से वापस से इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और ऐसे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जितने भी नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, और सबके साथ शेयर करें अगर व्लॉग अच्छा लगा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। कतरा कतरा वो पिघला, भर आया।